नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज 27 में। अररिया फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के डाक हरिपुर वार्ड संख्या 13 में बुधवार को 5 माह से चल रहे जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है। वहीं एक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे बाहर रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक का नाम सत्यनारायण मेहता है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि सत्यनारायण मेहता और रवि मेहता अपने बाइक से घर से बाजार जा रहे थे। इसी बीच गोटन मेहता, रुपेश चंद्र मेहता, राजेश मेहता, दिलीप मेहता करीब 20 से 25 लोगों के द्वारा हाथ में धारदार हथियार, लोहे के रॉड आदि लेकर अचानक उन पर हमला किया गया। बताया कि इस बीच उन लोगों के द्वारा 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई है। इस घटना में सत्यनारायण मेहता बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं जैसे इसकी खबर परिजनों को मिली तो सभी घटना स्थल पर पहुंचे और जहां उक्त पक्ष के लोगों द्वारा उन लोगों के साथ मारपीट की गई। बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस करीब आधे घंटे बाद पहुंची, जबकि घायल सत्यनारायण मेहता को उन लोगों ने लहूलुहान कर कमरे में बंद कर करीब 1.5 घंटे जब पुलिस पहुंची तो उन लोगों ने कमरे से सत्यनारायण मेहता को निकाला, जिसे अनुमंडल अस्पताल लाया गया। घायलों में बच्चू मेहता, पिता सत्यनारायण मेहता, चंदनी देवी, पति सत्यनारायण मेहता, वीना देवी पति जगदीश मेहता, मीरा देवी पति देव नारायण मेहता, प्रमोद मेहता पिता जगदीश मेहता, रविशंकर कुमार पिता स्वर्गीय बेचन मेहता एवं कई लोग थे। ऐसा घुरा रहा था, उसके पास कौन जाएगा? मास्केट था, मास्केट था, एक हथियार था, दो हथियार, दो दो मास्केट थे, तो स्टाइल मेहता के साथ में और एक पंकज के साथ में, दोनों के पास था। हाँ, दोनों के पास बैठेले था, उसके उसको सुता दिया, मार के सुता दिया था, बोलने दे दिया। हाँ ना, चार बार घेर करा सब, बड़ा उसको घेर लिया था, पुलिस जाके छुड़ाई। हाँ, पुलिस छुड़ाया। प्रमोद मेहता हुआ है घायल, और रविशंकर कुमार, और ये मुन्ना कुमार, और चोट लगी है आपका? क्या नाम? मीरा देवी। तुमको भी चोट लगा है? जी सर, हमको भी, और मेरी मदर है मौसम कुमारी, और मेरी मदर है उनको चोट लगा जो कि उनके साथ गई। क्या नाम है उनका? चांदनी देवी, जो आशा कार्यकर्ता। पुलिस को सूचना दी थी सर? हमारे पास फोन जो था वो फोन छीन ले आया गया था। पुलिस भी पहुंची थी? जी सर, पुलिस लेट से पहुंची, आधे घंटे बाद लोग मार के उसके बाद वो अपना रूम में अंदर बंद कर लिया। उसके बाद पुलिस पहुंचा लेट से, पुलिस आया था, फिर निकाल के तब यहाँ लाया गया। पुलिस के सहयोग से ही निकाला गया, रोड पे छोड़ दिया, घर में बंद रख लेता है, घर में पूरा बंद कर लेता, रोड पे उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग सर ये 1.5 घंटे तक लगभग